बना के रिपोजिट, अपने रिपोजिटरी बना लेना कोई। उसके बाद ये स्टेप आ जाए, सबसे पहले गिट इनिट करना है। फिर आपको कौन सी फाइल ऐड करनी है, यार आपको ये फाइल ऐड नहीं करनी, आपको सारी फाइल ऐड करनी है, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा गिट ऐड स्पेस डॉट, गिट ऐड स्पेस डॉट और एंटर कर देना। ये क्या हो जाएगी, इससे आपकी गिट के लिए ऐड करने के लिए आपकी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है आपका कमेंट, एक टाइप से ये समझ लो कि कौन सा कमिट कर रहे हो, कमिट का मतलब वहां पे भेज रहे हो। गिट कमिट हाइफन एम और इसके अंदर अपना कमेंट डालते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया पेटीएम ऐप, एंटर कर दिया, इसने डाल दिया कमेंट, ठीक है। अब उसके बाद कौन से ब्रांच पे इसको डालना चाहता है, ब्रांच का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप ब्रांच बना सकते हो। जैसे कि कंपनीज में क्या होता है, आप काम करते हो, आपके काम को डायरेक्टली लाइव नहीं कर सकते यार, क्योंकि मान लो आपका कोई बग है, आपका टीएल या जो भी आपका सीनियर होगा वो उस चीज को वेरीफाई करेगा, फिर उसको ब्रांच पे डालेगा, तो आपको सेकेंडरी ब्रांच पे डालना होता है। तो मैं तो डायरेक्टली मेन ब्रांच पे डाल रहा हूँ, मेन का मतलब जो आपकी सबसे मेन ब्रांच होती है। तो इसको कर लो कॉपी और कर दो पेस्ट, एंटर कर दो, ये भी हो गया। अब इसके बाद आपको किस यूआरएल के ऊपर ऐड करनी है, तो ये मेरी रिपोजिटरी का एड्रेस है, इसके ऊपर करना है मेरे को, एंटर कर दो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से भेजना है गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब किस ओरिजिन पे, मेरे में नहीं जाएगा यार, अरे आ गया, ये तो चीज चाहिए थी मेरे को, सही अब हो जाएगा। देखो मेरे को ये दिक्कत लग रही थी, ये नहीं होगा मेरा, खुद नहीं आ रहा था पहले, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको भी ऐसे लॉगिन के लिए दे देगा, तो मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता था। क्या हो गया यार, नेटवर्क ठीक ठाक चल रहा है, ये तो सही चल रही है, वो क्यों नहीं खुल रही है। हाँ जी आ गया, कंटिन्यू कर देता हूँ, इसको अलाउ कर देता हूँ, ऑथराइज कर दो इसको, पासवर्ड डाल दो अपना जो भी है। अब आप रीडायरेक्ट हो चुके हैं अपने वीएस कोड पे, ये आपका ऑथेंटिकेशन वगैरह हो चुका है। अब यहाँ पे देखो वो मेरे से पूछ रहा है, आप आपको से ये चीज नहीं पूछा है, मेरे यहाँ से पूछ रहा है, इसलिए उमेश पुनिया मेरा जी है, पासवर्ड है मेरा। हाँ जी देखो मेरा ऑथेंटिकेशन फेल मारता है हमेशा, आपका नहीं मारेगा विंडोज में, चलो तो 1 मिनट इसको हो जाए तो लोड। इसका भी सोल्यूशन देखूंगा मैं, क्या समस्या है इसके साथ। अच्छा रिकॉर्डिंग में भी आ गया है, बोल दी तुम। हाँ जी वीएस कोड हो गया, अलाउ कर देते हैं इसको, ओपन ओपन करते रहते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है यार ये मेरा, आई थिंक हो चुका है, अब ट्राई करते हैं। सीएलएस क्या, अच्छा चलो खा लें, अलाउ कर देते हैं यार, हो जाए, बार बार क्यों मांग रहा है, वहां से यूजर नहीं मांगा मेरे को पता है। कितने किलो खिला रहा है, हाँ दिल, ओ अदिल कितने किलो जलेबी खिला रहा है, दो मैं 2-4 किलो खाई जाऊं, चार किलो अगर मैं खाएगा तो क्या दोगे? चुप तो।
मुझे अपने साथ ही अरे रखना मजाक की बात है, दो चार किलो खाई जाएंगे यार, बूढ़े बूढ़े तो खा लेते थे पहले वाले, उसका वेट कर ले आता ही होगा वो। पड़ेगा वहां से लगेगा यहाँ अच्छा पर। तुम तो यहाँ पे रहते हो? हाँ ठीक, मुझे लगा अशोक नगर रहते हो तुम भी, मुझे लगा तुम भी अशोक नगर रहते हो। हो जाए यार, क्यों मुझे ले रहा है मेरे? देख यार ये दिक्कत है मेरे साथ यहाँ पे, लेकिन तेरे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है शो। तो यार मैं क्या करता हूँ देखो, मैं तो यहाँ पे जाके यहीं कहीं इम्पोर्ट कोड आ जाएगा, नहीं इम्पोर्ट कोड नहीं, एक मिनट रुकना। हाँ इम्पोर्ट कोड, इम्पोर्ट कोड पे अभी यार, एक मिनट एक मिनट, अपने गिटअप पे गया, पेटीएम, अपने पेटीएम पेटीएम पेटीएम, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल, मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। हाँ जी अभी करा, अपनी फाइल चूज करके फेंक दो यहाँ पे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ से नोड मॉड्यूल्स कभी नहीं डालना, अपना ईएनवी कभी नहीं डालना, बाकी चाहे आप कुछ भी डाल दो, क्योंकि ये सिक्योर रहते हैं यार, हमारी क्रेडेंशियल्स होती है इसके अंदर। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, उठा के फेंक देता हूँ सब चीजों को। ये हो गया, कमिट चेंजेस कर देते हैं, और हीरो को भी जब तक मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आज एक एप्लीकेशन लाइव करना बता रहा हूँ बस आपको। हाँ जी देखो अपने पास और क्या रह गया, पेटीएम आ गया, व्यूज आ गया, ठीक है सब चीजें आ चुकी हैं। हीरोकू पे गया, वेरीफाई कर लेता हूँ इसको। हाँ जी रोकू पे लॉगिन कर लेना। अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम करोगे आपकी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्रिएट पे क्लिक करना, मेरी है दो चार, तो क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक कर देना। आपसे एक यूआरएल पूछा है, ये यूआरएल का नाम दे दिया मैंने, पेटीएम, पेटीएम से तो मिलेगा पहले से, पेटीएम उमेश, तो क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन बन चुकी है यहाँ पे। अब वो ये पूछ रहा है आप कैसे ऐड वेड करना चाहोगे यहाँ पे, ये तरीका मत लेना, सबसे बढ़िया तरीका है गिटअप से, इसीलिए गिटअप पे डाल रही हूँ, उस तरीके से गिटअप पे डालनी है ऐसे भी, तो गिटअप पे क्लिक करना। अब यहाँ पे अपना गिटअप कनेक्ट कर लेना इसके साथ, ऑथेंटिकेट कर लेना, मेरा ऑलरेडी है, और वहाँ पे किस नाम से है, पेटीएम नाम से है मेरी, सर्च कर लो आगे और उसको कर दो कनेक्ट। तो अब गिटहब का डायरेक्टली सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। जा गया, अब यहाँ पे एनेबल ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर दो, और यहाँ पे डिप्लॉय ब्रांच कर दो। देखो वो ब्रांच आ गई ना यहाँ पे, आप और बनाओगे और आ जाएंगे। ये मार दिया ब्रांच पे डिप्लॉय, अब स्टार्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, यहाँ पे रन होना है इसी वाले पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा देखो, बिल्ड बिल्ड करेगा, इतने पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। बस एक चीज देखनी है मेरे को, पैकेट डॉट जेएसओन के अंदर ये कोड एक्टिवेट कर रखा है या नहीं कर रखा। हाँ जी ठीक है, बस पैकेट डॉट जेएसओन के अंदर ये चीज जरूर होनी चाहिए।
अब इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते क्या मिलता है हमें। एरर मिलेंगे बाकी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ईएनवी फाइल नहीं है हमारे पास। और इसके ऊपर मेरा राउट था, इसके रीडमी में मिलेगा वो सब चीजें। ये वो पोर्ट अपने आप असाइन करेगा, आपको कुछ नहीं करना पोर्ट वोर्ट, इसलिए प्रोसेस डॉट ईएनवी कर रहे थे हम वहां पे। तो देखो अभी एम्प्टी आ गया, क्यों मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन मार देते पेटीएम वगैरह की। ये ईएनवी की जो फाइल है इसका सारा डाटा आपको वहां पे रखना है। अब डाटा कहाँ पे रखना है थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, सारा नहीं कर पाएंगे, ज्यादा लंबी प्रोसेस है। सेटिंग्स पे जाना है, जितने भी ईएनवी के अंदर वेरिएबल बनाए सारे इसके अंदर रखने हैं, सेटिंग्स। और यहाँ पे रिवील कॉन्फ़िग वेरिएबल्स, जिस पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे जिस नाम से आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उसका यही नाम रखोगे। यहाँ पे मैं एमआईडी कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी एमआईडी करना पड़ेगा मेरे को। ये उसके वेरिएबल का नाम, ये उसकी वैल्यू, ये अपने आप बनाता है ईएनवी फाइल। ऐसे ही सब चीज़ें करनी है, समझ आ गया सुन। और आपकी एप्लीकेशन रेडी है सर्व होने के लिए। जिसको भी आपकी एप्लीकेशन दिखानी हो डिप्लॉयमेंट, आपका जो यूआरएल बना था ये आपका मेन यूआरएल है, इसके ऊपर दिखेगी आपकी एप्लीकेशन ये। क्योंकि मेरा ब्लैंक पे कोई राउट ही नहीं है इसलिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर राउट करना चाहता हूँ तो सर्वर डॉट जेएस के अंदर कर देता हूँ, दिखाने के लिए कुछ थोड़ा सा एडिट दिस फाइल पे। डॉट गेट राउट है मेरा ब्लैंक, कॉल बैक चले, रिक्वेस्ट ले और बदले में एक रिस्पॉन्स दे। ये रेस्ट डॉट सेंड कर दिया मैंने, सक्सेस। आप चाहो तो कोई एचटीएमएल की फाइल भेज दो, सक्सेस। और इस चीज को मार दो कमिट, थोड़ी देर में मैं अपने आप ही चेंज को डिटेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने एनेबल ऑटो पुश किया हुआ था वो डिप्लॉय पे। ये तो वो अपने आप ही करता रहेगा सब चीजें, आपको नीड नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपका कोड पहले गिटहब पे जाएगा फिर यहाँ पे लेके आएगा वो, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो आ गया ना सक्सेस, तो ये चल गया आपकी एप्लीकेशन। ऐसे चलाते हैं डिप्लॉयमेंट, कल इसको प्रॉपर करके देखेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग।